माँ हम स्कूल जा रहे हैं। बाय बाय। हाँ बेटा बेटा सुनो, देखो प्लेयर है ना, संभाल कर लेके जाना। हाँ। सुनो प्लेयर है ना, संभाल कर चलाना। और देखो उसमें सीडी भी संभाल कर डालना। और आते वक्त संभाल कर लेकर आना। हम समझ गए मम्मी, अब हम चले। हाँ संभाल के जाना। हंसते क्या हो? ये एकदम ना नया नक्कोर सीडी प्लेयर है, अभी 3 साल पहले तुम्हारे पापा को दिवाली की बोनस में मिला था, इसीलिए मम्मी इसे सिर्फ दिवाली पर निकालती है। हाँ और इसकी पूजा करके वापस आने डाल देती है। अब तुम लोगों को देर नहीं हो रही है? हाँ। अरे हाँ, ए मानो बेटा, ऑल द रेस्ट। ऑल द रेस्ट नहीं, ऑल द बेस्ट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। अब मैं कुछ नहीं बोल रही, जाओ जाओ। मानव रुक, ये पकड़ना बहुत भारी है। क्या ये, क्या ये, क्या ये पकड़। मम्मी ने कहा ना इस बार संभाल क्या। बच्चों, ये बच्चों इस तरह भागकर कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ मेरी बात सुनो प्लीज, बाद में। अरे बेटा सुनो, आज सुख सभा में क्या हुआ मालूम है? दादाजी हमें रिहर्सल्स के लिए देर हो रही है, हम बाद में सुन लेते हैं, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है जा। ये बच्चे भी अगर बात सुन के जाते तो मजा आता उनको। अंदर बॉस, रिंग तो कब की गिर चुकी है। हाँ पता है पता है, मैं तो बिना रिंग के प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे भी रिंग को घूमने के लिए जगह ही कहाँ बची है। क्या बोला? नहीं बॉस, मैं तो कह रहा था कि हमने आपका काम पूरा कर दिया है। अच्छा क्या किया तुमने? हमने आपका टिफिन पूरा खत्म कर दिया है। क्या? नहीं नहीं बॉस, नहीं नहीं, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। मैं तो ये कह रहा था कि जो बच्चे DOTY में पार्ट ले रहे थे उनको हमने किसी ना किसी चीज की लालच देकर और DOTY में पार्ट लेने से रोक दिया है। हाँ बॉस, अब तो आपको हमें 6 महीने तक लगातार पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट सब खिलाना पड़ेगा। तुम्हें? हाँ मतलब बच्चों को। हाँ। और जो बच्चे प्यार से नहीं माने उनको हम लोग ने डरा धमका कर पार्ट लेने से रोक दिया है। अब आप आराम से डांसर ऑफ द ईयर बन जाओगे। वेरी गुड माई बॉय, वेरी गुड। मोंटू का यही फंडा है, अगर हरा कर नहीं जीत सकते तो डरा कर जीतो। हाँ बॉस वो तो ठीक है, लेकिन मानव का क्या करे, वो तो हमसे भी नहीं डरता और आपसे भी नहीं। मानव उसका टेंशन तुम लोग मत लो, मैंने उस पिद्दी को अपने रास्ते से हटाने का बंदोबस्त कर लिया है। अब वो DOTY का फाइनल डांस हो क्या, उसकी रिहर्सल भी नहीं कर सकता। अब तुम दोनों से देखते जाओ। वेरी गुड बॉस। खुश रहो रानी परी, खुश रहो रानी परी, खुश रहो परियो, खुश रहो। हमें खुशी है भयंकर परी कि हमने जो भरोसा तुम पर दिखाया था उसे तुमने बरकरार रखा और परीक्षा भी पार कर ली। खुशी तो मुझे भी हैरानी परी कि मैं ये सब कुछ कर पाई, अपने अंदर की बुराइयों को अपने से दूर कर पाई, लेकिन इसका पूरा श्रेय केवल बालवीर और आपको जाता है। आप नहीं होते तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती, मगर अफसोस इस बात का है कि अब भी कुछ परियों के दिल में मैं अपने प्रति विश्वास नहीं जगा पाई। आपने लिए जगह नहीं बना पाई। भयंकर परी, ऐसा नहीं है भयंकर परी, इस परीक्षा को पार करने के बाद सबको तुम पर विश्वास हो गया है कि तुम पहले जैसी नहीं हो। काश ऐसा ही हो बालवीर, लेकिन मैं फिर से कहती हूँ
अगर किसी भी परी को अब भी लगता है कि मैं परीलोक में रहने योग्य नहीं हूँ तो फिर मैं परीलोक छोड़कर चली जाऊंगी। भयंकर परी, अब हम सबको आपकी अच्छाई पर विश्वास हो गया है, अब आपको परीलोक से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब से आप हमारे साथ ही रहेंगी। बालवीर, ये सब तुम्हारे बिना नहीं हो सकता था। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मेरी परीक्षा दिलवाकर मेरी सच्चाई को सबके सामने साबित किया। बहुत बहुत शुक्रिया बालवीर, जो तुम मुझे अपने घर अपने परीलोक लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे सुधरने का एक और मौका दिलवाया। बहुत बहुत शुक्रिया बालवीर। नहीं नहीं भयंकर परी, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो तुमने अपनी इच्छा शक्ति से किया है। तुमने बुरा बनना चाहा तो तुम बुरा बन गए। अब तुम अपनी गलती सुधार के अच्छी परी बनना चाहती हो तो इसका श्रेय भी तुम्ही को जाता है भयंकर परी। भयंकर परी नहीं बालवीर, भली परी कहो, हम नहीं चाहते कि अब इन्हें कोई भयंकर परी कहे और इसलिए हम एक रूपांतरण समारोह करेंगे। जहां भयंकर परी का रूप बदला जाएगा और वो फिर से हमारी प्यारी और चहेती भली परी हो जाएगी। खुश रहो भली परी, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो भली परी, खुश रहो। बहू मैं तैयार हूँ, चलो। आई माँ। सुनिए सुनिए, वीना काकी के घर से फोन आया था। क्या? बापूजी वीना काकी बाथरूम में गिरी और हॉस्पिटल पहुंच गई। बाथरूम में गिर के डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंच गई, ये समाचार तो अखबार में आने चाहिए। अरे बापूजी, वीना काकी बाथरूम में गिरी, उन्हें चोट आई इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। और वही देखने जा रहे हैं? बाथरूम नहीं, हॉस्पिटल। अरे हॉस्पिटल देखने क्यों जाएंगे? अरे वीना काकी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है तो उनको हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो ना? नहीं। हाँ 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 हा, हा। अरे आपका आधा ध्यान अखबार में रहता है और आधा हमारी बातों में, इनमें ना आप हमें डिफ्यूज कर देते हैं। डिफ्यूज? कंफ्यूज माँ। हाँ वो वही सेम टू सेम। चल अब चल। और हाँ सुनिए, अखबार में ध्यान मत देना, घर में कोई नहीं है, जरा घर पे भी ध्यान देना। सुना? अरे हाँ सुना। हाँ अभी तुम भी जाओ और मुझे शांति से अखबार पढ़ने दो। सुना तुमने? हाँ। और फिर भी तुम्हें रिहर्सल करना होगा ना, तो मेरे जैसे दमदार म्यूजिक प्ले लाओ, दमदार, समझे पिद्दियो? मोंटू रिहर्सल ऐसे ही करेगा। जाने देना महर, इससे बात करने ही बेकारे, हम जाके टीचर को कंप्लेंट करते हैं। हाँ, चल। बॉस, अगर इन लोगों ने टीचर को कंप्लेंट की तो हम सबकी बैंड बच जाएगी। अगर बालवीर आया और उसने हमें पिछली बार की तरह लड़की बनाकर डांस करवाया तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे लड़की बनकर डांस नहीं करना है, वो भी पूरे स्कूल के सामने। सोचो यार, सोचो कुछ तो। आइडिया, रोहित जाके बोल दे उनको कि वो यहाँ पे रिहर्सल कर सकते हैं, हम किसी और जगह जाके रिहर्सल करेंगे। अरे बॉस, लेकिन इससे अपनी हार हो जाएगी। हार? मोंटू कभी हारता नहीं है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो वो भी यहाँ रिहर्सल नहीं कर सकते।
आप सभी का इस रूपांतरण समारोह में स्वागत है। भली परी, आज से आप हम सब के लिए भली परी हैं। हम दिल से आपका परीलोक में स्वागत करते हैं। खुश रहो रानी परी। खुश रहो भली परी, खुश रहो। खुश रहो सभी परियों, खुश रहो। खुश रहो भली परी, खुश रहो भली परी। खुश तो मैं आज बहुत हूँ, नाराज नाराज बहुत ज्यादा। भली परी, अपनी इस खुशी में गलती से कभी किसी को ये मत बता देना कि हम दोनों ने आपकी इसमें मदद की, वरना आपकी जगह इस बार हमें परीलोक को छोड़कर जाना पड़ेगा। परीलोक छोड़कर जाएगी तो वो रानी परी और उसकी वो चहेती परियां। जब तक मैं अपना मकसद पूरा ना कर लूं। अब कौन सा मकसद भली परी? हमें तो लगा कि अब आप सुधर गई। तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे सुधार सके। मैं भयंकर परी थी हूं और हमेशा रहूं। बस एक बार मैं वो हासिल कर लूं जो करना चाहती हूं, उसके बाद पृथ्वी लोक के हर बच्चे को और इन परियों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन भयंकर परी, फिर आपने हमसे रानी परी का राजदंड क्यों नहीं लिया? वो ही तो चाहिए था ना आपको? हाँ, लेकिन जब मैंने वो राजदंड अपने हाथों में लिया, तब पीछे छुपी सारी परियों और बालवीर का प्रतिबिंब मुझे उस दंड के हीरे में दिखाई दिया, और इसीलिए मैं उनकी सारी चाल समझ गई और तभी मैंने सुधरने का नाटक किया। क्यों, अच्छा नाटक किया ना? अगर ये सब आपका नाटक है तो फिर आप भली परी बनकर पाना क्या चाहती हैं? परी तारा। परी तारा? परी तारा? हाँ, मेरा असली मकसद है परी तारा, और इसीलिए मैं परीलोक में रहने आई, ताकि जल्द ही होने वाले परी महोत्सव में मैं वो परी तारा चुरा लूं।